गोट ने खा लिया आंसर पेपर। डिंग डिंग। चलो स्टूडेंट्स यहाँ आकर अपने अपने मैथ्स के आंसर पेपर ले लो। केनिची। यस सर। केनिची। यस सर। इस बार तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, अगले टेस्ट में भी इस तरह खूब मेहनत करना। 100 marks! वाओ, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें मैथ्स में 100 marks मिले। मेरा आंसर पेपर और पास से देखो, मुझे 100 marks मिले। हाँ बिल्कुल। ये केनिची का बच्चा इतना खुश हो रहा है, मुझे देखा नहीं जा रहा, मैं इसे मजा चखा के रहूंगा। हाँ 100 marks, मुझे मैथ्स में 100 marks मिले, मैंने कर दिया। इतने इंतजार के बाद आखिर मेरा शिकार आ ही गया। मैं हूँ काइटो के मुजुकी और तुम्हारा आंसर पेपर अब मेरे पास है। अरे हमारा, तुम यहाँ आंसर पेपर लेना चाहते हो तो ले लो, मेरे पास इसकी कई जेरोक्स कॉपीज हैं। ओह नो भाई, ये सब क्या चक्कर है? मैं आंसर पेपर दादा दादी और रिश्तेदारों को भेजूंगा, इसलिए मैंने जेरोक्स कॉपीज करा ली है। क्या को? वो आंसर पेपर तुम रख लो, उसे देखकर तुम भी मन लगाकर पढ़ाई करना। इससे ज्यादा बेइज्जती आज तक मेरी कभी नहीं हुई। हवा चलाने की निंजा टेक्निक आया ना मजा? अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें ओरिजिनल आंसर पेपर कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी निंजा टेक्निक की मदद से अब पूरे टाउन को पता चल जाएगा कि मुझे मैथ्स में 100 marks मिले। क्या? पर असली आंसर पेपर तो उड़ गया। असली आंसर पेपर है यहाँ। मैं आ गया। ओ केनिची, आज तुम बहुत अलग लग रहे हो। मम्मी कहाँ है? केनिची, मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो, मम्मी और पापा एक दिन के लिए बाहर गए हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, असल में मैं उन्हें अपना आंसर पेपर दिखाना चाहता था। मेरे आगे सर झुकाओ। केनिची कमाल है, तुम्हें मैथ्स में पूरे 100 marks मिले हैं। मुझे तो अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए? तुमने तो पढ़ाई भी नहीं की थी। असल में मैंने आंसर्स की जगह हमारे बर्थडे नंबर्स लिख दिए थे और मेरा ये तुक्का किस्मत से काम कर गया। अरे हाँ, मुझे 100 marks मिले हैं तो इस मौके पर हमें एक फोटो खींचनी चाहिए। ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि ये मौका तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। हाँ तो चलो सब गार्डन में। चलो भाई। वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका मिला है। कहाँ फंसा दिया मुझे फोटो के चक्कर में? ओहो हथौड़ी, जल्दी खींचो ना। हाँ खींच रहा हूँ। शो शुरू करने का वक्त आ गया। लेकिन बॉस, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप आंसर पेपर कैसे छीनेंगे। उसके लिए मेरे पास ये है ना। ये कहाँ से लाए? ओके रेडी। मेरे 100 marks। ये क्या किया? आंसर पेपर फेंको 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 फेंको, निकालो निकालो। देखा कियो, अब वो 100 marks उस गोट के पेट में है। इसके साथ ही उसे 100 marks मिलने का सबूत भी मिट गया। केनिची, मैंने सुना है कोई गोट तुम्हारी आंसर पेपर खा गई, ये सच है क्या? दुख की बात है, बेचारे को पहली और आखिरी बार फुल मार्क्स मिले थे। हथौड़ी ने मुझसे कहा है कि वो गोट के पेट से आंसर पेपर निकालने के लिए जरूर कुछ करेगा। क्या ऐसा हो सकता है? अरे अब तक तो वो पेपर गोट के पेट में घुल गया होगा। सॉरी, तुम लोगों को इंतजार करना पड़ा, अंदर आ जाओ। हथौड़ी अब तैयार है। हथौड़ी पागल हो गया। चलो चलो। तो सबसे पहले मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि इसके पेट में केनिची का आंसर पेपर है या नहीं। लो, तुम सब लोग खुद ही देख लो। 100 marks! अब ये क्या चक्कर है? इससे पता चला कि ये आंसर पेपर इसके पेट में ही है। तैरते कैरेक्टर्स की वजह से मैंने जो ईगाइंग से 100 marks लिखे थे वो दूध में घुल कर कप के ऊपर आ गए। इससे साबित होता है पेपर अभी तक अंदर है। हथौड़ी, इस गोट को कोई प्रॉब्लम है? भले भाई, देखो ये गोट क्या कर रही है। लगता है जरूर इस गोट ने खाने में जमाल गोटा खाया होगा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नंबर 100 है। ये कैसे हो सकता है? इसे कहते हैं अजीब इत्तफाक। सच कहूँ तो इस बात की मुझे भी उम्मीद नहीं थी। अब मैं पेट से आंसर पेपर को कॉपी करने की निंजा टेक्निक इस्तेमाल करूँगा। जल्दी करो जल्दी। ये सब पागलपन है। अब ये ब्लैंक पेपर मैं इस गोट को खिलाऊंगा। जरा गौर से देखो, इस पेपर पर आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है। अब ये पेपर केनिची की उस आंसर शीट की कॉपी बनकर निकलेगा जो इस गोट के पेट के अंदर है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पता नहीं क्या होगा। देखा, कुछ नहीं हुआ, गोट ने कागज फेंक दिया। हथौड़ी मेरे आंसर पेपर की
चिंता मत करो, जो होना था वो हो गया। अब जरा उस पेपर को उठा कर तो देखो। हाँ, सच कह रहे हो? हाँ, यही है, यही है। केनिची, तुम्हारी तो निकल पड़ी। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हुआ भले भाई? मैं बताता हूँ असल में क्या हुआ था। मैं सर के पास गया, उन्हें सारी बात बताई, उनसे कहा कि केनिची को वो कुछ न बताए। फिर मैंने केनिची की तरफ से आंसर पेपर लिख दिया और सर से चेक करवाया और 100 मार्क्स भी ले लिए। हो गया काम। उसके बाद मैंने एक ब्लैंक पेपर पर बदबूदार ग्लू लगाई ताकि गोट उसे चबा कर फेंक दे। फिर शिष्यमानों ने फेंके हुए पेपर को उठा कर उसकी जगह असली पेपर फेंक दिया। कागज बदलने की निंजा टेक्निक। अब समझे क्या हुआ था? वाह, हमारा बॉस, क्या आपको लगता है आपका ये आइडिया काम करेगा? ओए चुप कर, मैं इसके पेट से जिरॉक्स निकलवा कर रहूंगा। लो खाओ और खाओ। अब नखरे दिखा रही है। पोछे के कपड़े की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। ओहो, ये तो बहुत भारी है। हाय, क्या कर रहे हो? मास्टर, ये आप क्या उठा कर लिया है? ये पोछे के कपड़े हैं जो मम्मी ने मुझे दिए हैं, क्योंकि ये काफी दिनों से उनकी अलमारी में बेकार पड़े हुए थे। पर तुम इतने सारे सफाई के कपड़ों का क्या करोगे? हम इसका इस्तेमाल शिंजो के डायपर्स के लिए कर सकते हैं। हमेशा याद रखो, ये पोछे का कपड़ा एक निंजा के लिए बहुत जरूरी होता है। हम अपनी निंजा टेक्निक में इसे बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शिंजो, तुम्हें ये बातें पता नहीं थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुराने जमाने के लोगों, तुम अभी तक पोछे के कपड़े में अटके हो। तुम्हारा मतलब क्या है हमारा? ओए अकल के चरखो, पोछे का कपड़ा इस्तेमाल करने वाली निंजा टेक्निक पुरानी हो चुकी है, अब वक्त है एडवांस टेक्निक का। ये देखो। बेकार की बात मत करो, पोछे का कपड़ा इस्तेमाल करने वाली टेक्निक आज भी असरदार है। काश मेरे बॉस को पता होता तो ना इतनी महंगी चीजें लाते और ना मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। चुप कर, बेकार की नौटंकी से मेरा दिमाग खराब मत कर। हथौड़ी, अगर तुम्हें अपने पोछे के कपड़े पर इतना भरोसा है तो बोलो, मेरा चैलेंज मंजूर है तुम्हें? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, इस चैलेंज में सिर्फ तुम पोछे का कपड़ा इस्तेमाल करोगे। पता नहीं आज की मॉडर्न साइंटिफिक निंजा टेक्निक के आगे पोछे के कपड़े की पारंपरिक निंजा टेक्निक कितनी असरदार रहेगी। क्या कहा? पापा अपनी फाइल भूल गए हैं? हाँ, ऑफिस से लौटते हुए ये अपनी फाइल्स ऑफिस के पास एक बिल्डिंग में भूल गए। वो डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है और मुझे कल सुबह उन्हें लेकर ऑफिस की मीटिंग में जाना है। हथौड़ी, तुम अपने किसी निंजा टेक्निक की मदद से उन्हें अभी वापस ला सकते हो? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अफसोस है इतनी रात को हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया। इतना अफसोस है आपको तो डिस्टर्ब ही क्यों किया? ये उस बिल्डिंग का नक्शा है जिसे मैंने याद कर लिया है। ओके बाय। हथौड़ी किसी काम के लिए मना नहीं करता, इसलिए उसने मुझसे पंगा ले लिया। अब मैं हथौड़ी को मजा चखाऊंगा। चलो कियो। हथौड़ी, अगर तुम्हें पोछे के कपड़े पर इतना भरोसा है तो मेरा चैलेंज मंजूर है। क्या अच्छा नहीं हुआ? नक्शे के हिसाब से सबसे ऊंची बिल्डिंग में जाना है। यहाँ का नजारा बिल्कुल मेरे ईगा टाउन जैसा है, चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ। डिंग 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 डिंग। ओ, पास आकर पता चला कि ये बिल्डिंग सच में कितनी ऊंची है। अब मुझे टॉप फ्लोर पर दाएं हाथ के कोने के आखिरी कमरे में जाना होगा। चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। दीवार पर सीधा चलने की निंजा टेक्निक बच गया। लगता है इतनी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए ये निंजा टेक्निक काम नहीं कर पाएगी। हाँ तो थोड़ी बोलो, मुकाबला हो जाए। तुम्हें याद है ना, तुम सिर्फ पोछे का कपड़ा इस्तेमाल करोगे। अभी मैं तुम्हारे साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मैं किसी जरूरी काम से यहाँ आया हूँ। बहाने बना रहे हो? छी, तुम तो डरपोक निकले थोड़ी। ठीक है, मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। हमारा ये मुकाबला शुरू करने का सिग्नल है। उड़ती गिलहरी की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। क्या हुआ? ये पोछे का कपड़ा है क्या? अरे हाँ, मुझे पोछे का कपड़ा इस्तेमाल करना है ना, पोछे के कपड़े के पैराशूट की निंजा टेक्निक। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो। आग लगाने की निंजा टेक्निक। ये लो। क्या कर रहे हो? हथौड़ी।
गिर पड़ा। अच्छा हो बच गया। अगर ये बात है तो मैं सिर्फ पोछे के कपड़े का ही इस्तेमाल करूंगा, सबको दिखाऊंगा ये पारंपरिक निंजा टेक्निक बहुत अच्छी है। आप देखना मेरा कमाल, नीले पोछे के कपड़े से बिल्डिंग पर चढ़ने की निंजा टेक्निक। लो फिर वही पुरानी टेक्निक। कोई बात नहीं, मेरा नाम है अमारा, मैं मारता हूँ फव्वारा। ये मॉडर्न टेक्निक कमाल की है लेकिन बजट के बाहर है। मैं इससे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। खत्म। ओए क्यों नीचे जाके पानी छोड़ चल। बॉस मशीन आपकी और मेहनत मुझे करवा रहे हैं। टिंग 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 टिंग। यही सही मौका है। अरे ये भगोड़ा तो भाग रहा है। मकड़ी के जाल की निंजा टेक्निक। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। पोछे के कपड़े की तलवार। तलवार फेंकने की निंजा टेक्निक। बाल बाल बच गया पर आवाज कहाँ से आ रही है। बचाओ बॉस, पानी लाता हूँ ना। क्या हुआ? तोड़ी का जवाब नहीं। बहुत अच्छे। आखिर में मुकाबला जीत ही गया। अब मैं जल्दी से जाकर पापा की फाइल लेकर आता हूँ। लगता है सही वक्त पर सही जगह पहुँचा हूँ। चलो शुरू करो। शायद तुम्हारे पास अब पोछे का कपड़ा नहीं बचा होगा। ये लो। ये भी तो एक पोछे का कपड़ा ही है। ये तो कच्चा है। तू कितना गंदा बच्चा है। अगर इससे मुझे कोई बीमारी हो गई तो। ये गीले लंगोट की निंजा टेक्निक है। सारी टेक्निक आज ही तुम्हें मुझ पर आजमानी थी। बॉस इतना इतना पानी। शायद इसी फाइल के बारे में पापा कह रहे थे। मुझे ऊपर से कमरे में जाना चाहिए। मिल गई। क्या बात है? तुमने तो कमाल कर दिखाया। लो मैं फिर से हार गया। बॉस मिनरल वाटर। ओए तो उसी पानी में डूब मर। शिशी मानू बन गया लट्टू। जिंग जिंग इलेक्ट्रिक शॉक की निंजा टेक्निक। एंगर बॉल की निंजा टेक्निक। एंगर रॉक व्हील की निंजा टेक्निक। क्या क्या क्या? एंगर बॉल और निंजा रॉक व्हील की निंजा टेक्निक। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। तो आया ना मजा। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। मैं तो गया काम से। अगर मैं अपना असली रंग दिखा दूं तो वो चिड़ी मार की और मेरे सामने कुछ भी नहीं। क्या जिप्पो, हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। मैंने सच कहा ना। बिल्कुल। मैं तुम्हें एडवांस में अपना ऑटोग्राफ दे रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? मुझसे ज्यादा सवाल मत करो क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो शिंजो और केनिची, अगर तुमसे कोई पंगा हो जाए तो मुझे बता देना क्योंकि मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। लेकिन उससे पहले बिना कहे मुझे चॉकलेट रोज दे देना। अपनी बकवास बंद करो। और नहीं तो क्या? ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं पहले वाला भोंदू शिशु मानू नहीं रहा। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। क्या काम से? तुम कुछ भी करो, तुम हमेशा की तरह भोंदू के भोंदू ही रहोगे। चलो चलो नाश्ते का वक्त हो गया है। चलो जल्दी। पता नहीं सब मुझे भोंदू क्यों समझते हैं। अरे मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। मुझे क्या हो रहा है? बड़ी अजीब बात है। ओए तूने तो कमाल कर दिया कियो। लेकिन बॉस मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब करोगे। सुपर पावर। देखते जाओ बॉस अब मैं क्या क्या करता हूँ। पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हमारा और चिड़ीमार कियो, तुम्हें मुझसे कोई काम है? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी निंजा टेक्निक का कोई जवाब नहीं। ये बिल्कुल सही कह रहा है शिशी मानू, तुम तो हथौड़ी से भी बेहतर हो। सॉरी सॉरी, मैंने आपको सिर्फ शिशी मानू कहा। शिशी मानू सर। आखिर तुम्हें हीरे की पहचान हो ही गई। मैं खुश हूँ। मैं फिर से नहीं रुक पा रहा। मुझे क्या हुआ? हमने जो सोचा था वही हुआ। असल में ये अपनी निंजा टेक्निक के बारे में कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है और वही चीज इसकी कमजोरी बन गई है। वाह शिशी मानू सर, वाह आप है महान। आप है कमाल। की है शान। करते हैं धमाल। सच कह रहे हो? ये क्या हो गया? मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी।
मैं इसके सारे फर गायब कर दूंगा। शीशे मारो। ओ जियो हथौड़ी आ रहा है, इसे भी इसी वक्त आना था क्या? शीशे मारो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? हाथ और पैर रुकने की निंजा टेक्निक, रुको। शिशिमानु क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? शिशिमानु बीचों बीच इस तरह लट्टू की तरह क्यों घूम रहे थे? तुम्हें चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे है ना शिशिमानु? चुप रहो। कबड़ी 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 कबड़ी। शायद फायरबॉल की निंजा टेक्निक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है। वॉशिंग मशीन खराब होने की वजह से मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम इसे वॉशिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करें तो मम्मी के कपड़े आसानी से धुल जाएंगे। आजकल तुम काफी अच्छा मजाक करने लगे हो। जब खुशियां नाला जाता है तो घूमता है। जब तक इसे जोर का झटका जोर से नहीं दिया जाता तब तक ये ठीक नहीं होगा। झटका, अरे मार मार के बच्चे की जान लोगे क्या? रुको शिशिमानु। थक गया, अगर मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगा तो अपने आप ठीक हो जाऊंगा। तुमने मुझे डरा दिया। शिशिमानु सर, हम आपके लिए तोहफा लाए हैं। थैंक्स, मैं बहुत खुश हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी, मैं जब खुश होता हूँ तो अपने आप घूमने लगता हूँ। आइए आइए दोस्तों, देखिए तमाशा, मेरा मतलब शो। आइए आइए बॉयज एंड गर्ल्स, घूमते डॉगी का कमाल देखिए। वाह शिशिमानु वाह, क्या बात शिशिमानु, घूमते रहो, मजा आ रहा है, ले लो मजे। तुम्हारा तो जवाब नहीं। कबड्डी कबड्डी, ये देखो मेरा पहला कमाल। कमाल ही नहीं, ये तो है धमाल। और ये देखो मेरा दूसरा कमाल। अब देखते जाओ मैं क्या क्या कमाल दिखाता हूँ। ये देखो, हो हो हो। देखो बच्चों, ऐसा कमाल आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। तालियों। छुट्टा दे दो, चिल्लर डालो चिल्लर। थैंक यू थैंक यू। शिशिमानु तो हमारे काम का निकला। बच्चों आपने ऐसा कमाल, शिशिमानु क्या हो रहा है? ओए इस हथौड़ी को भी अभी टपकना था। ये ले। ये उड़ने लगा, मैं उड़ रहा हूँ। बच्चों देखो उड़ने लगा मैं। शिशिमानु ये क्या हो रहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। रुको शिशिमानु, मैं आ रहा हूँ, रुको। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। I'm sorry. अरे क्यों, ये क्या कर रहे हो तुम? अब मैं किया नहीं, कौवा हूँ कौवा। कबड्डी 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 कबड्डी, ये क्या हो रहा है? हथौड़ी मुझे बचाओ। अब कोई फायदा नहीं है, मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है। डिंग 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 डिंग, रिवर्स बॉल पुल की निंजा टेक्निक, घूमो घूमो घूमो। अब कितनी भी कोशिश कर लो मैं उसका घूमना बंद नहीं होने दूंगा। ये लो उल्टे भंवर की निंजा टेक्निक, हथौड़ी से उल्टी डायरेक्शन में घूमो। ये लो 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 ये आज तक मैं इतना कभी नहीं घूमा। शिशिमानु तुम बिल्कुल भोंद हो, तुम किसी भी काम के नहीं हो। अरे मैं घूम नहीं रहा हूँ, इसका मतलब मैं ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल ठीक। आज तुम्हारी वजह से मेरा घूमना बंद हो गया, वरना मैं जिंदगी भर घूमते ही रहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। हथौड़ी, लगता है शिशिमानु की तरह मुझे भी प्रॉब्लम हो गई है। मैं तो लट्टू बन गया। मैं भी लट्टू बन गया हूँ। रुकिए बॉल,